आपकी गोदी में बैठना, मेरे बालों में ऐसे हाथ फेरिए। उसके बिना मुझे नींद नहीं आती ना, पूरा करो संध्या में निडी ना उठाकर। सूरज बेटा थोड़ा रो ले बेटा, मन को गुबार निकल जाते, जी अलग हो जाते। सब तो समझाना ही ना। बी, तूने आज तक कोई भी अपना परचम धुला ना छोड़ा, तो इस बार कैसे दगा दी गई तू? ममता की छाया क्या छीन ली तू, अपने बूढ़े बाबू और बाबा सने छोड़कर कहीं चल गई तू। धारा सूरज का तो दिया पाती सा रिश्ता है ना, जज्बाती ना रहेगी तो दिया कहीं अच्छी भैया। इतने सारे भरत छोड़कर तू कहीं आ जा सके? जवाब दे, दे जवाब। वीर, वीर हमसे झूठ कहा था ना,
कि मारी बीनी उस डरेन में ना, जबकि मैंने उसे देखा था वो उसी डरेन में थी, बंगाली में ना हमें। हमने आप पर भरोसा किया जाकिर जी, आपने हमारा भरोसा तोड़ दिया। इसी दिन के वास्ते कई दिनों से तैयारी चल रही थी आप सब। आपको जैसा पता था ना, जवाब दीजिए, सब पता था ना, जवाब दीजिए मारे को। आपको जैसा पता था ना, इसी दिन के वास्ते आपने मारे से मदद ली थी। मारी बीनड़ी की परीक्षा लेते जा रहे थे और मैं बार बार आपसे पूछ रही थी कि मारी बीनड़ी ने कुछ ना होगा और आप हमारे को विश्वास दिला कि ना आपकी संख्या बीनड़ी को ना कुछ ना होगा। मैं बैठी हूं ना, अच्छी दोस्ती निभाई जी आपने, अच्छी दोस्ती निभाई, अपनी दोस्त की बलि चढ़ा है। बहुत बढ़िया किया आप, आपकी पुलिस और देश ने उन सब के लिए तो 21 तोपों की सलामी देने का काम किया है हमारी बीनड़ी ने, पर मारा घर परिवार की नींव मिल गई जी, कतई ना लौटेगी मारी बीनड़ी, कतई ना लौटेगी मारी बीनड़ी, कतई सर मिशन महाबली का एक एक पॉइंट बहुत ही सोच समझकर प्लान किया गया था और उसे उतनी ही अच्छी तरह से अंजाम भी दिया गया था। तो फिर ये सब कैसे हो गया? मेरी समझ में नहीं आ रहा है सर, और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि संध्या इतनी लापरवाह थी कि ऐन वक्त तक वो ट्रेन से कूद नहीं पाई और उन डिब्बों के साथ वो हादसे का शिकार हो गई। सर, संध्या के साथ हुए हादसे की वजह जानना चाहता हूं सर। ऐसे ही हजारों सवाल मेरे जहन में भी आए थे जब मैंने संध्या राठी की बॉडी देखी थी। तब मैंने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की और मेरी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से संध्या राठी अपने काम को अंजाम देने के बाद जब ट्रेन से कूदने के लिए इस डिब्बे के दाहिने दरवाजे की तरफ भागी, उसका पांव उस जल्दबाजी में, उस हड़बड़ाहट में इस डिब्बे के एक्सल स्प्रिंग में अटक गए। उसने अपने पांव को छुड़ाने की बहुत कोशिश की होगी लेकिन उसमें काफी समय लग गया और समय हमारे पास था नहीं। इस बीच में ये तीनों डिब्बे इस सुरंग में घुस चुके थे और जैसे ही ये तीनों डिब्बे इस दूसरी सुरंग से बाहर निकले, इससे पहले कि संध्या कूद पाती, इन तीनों डिब्बों में ब्लास्ट हो गया। संध्या का ये जला हुआ सैंडल ट्रेन के एक्सल से अटकी हुई मिली और इस
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से भी संध्या के दाएं पैर पर गहरा जख्म था। अपने एक जाबाज ऑफिसर को खोने का दुख हमें भी है ऑफिसर साकिर। हमें गर्व के साथ संध्या राठी को याद करना चाहिए, जो शहीद होकर भी हमारे मिशन महाबली को कामयाब बना गई। I'm proud of her. मेरी बात याद रखना, सादा शरारते मत किया कर। घर में सबको इस तरह से परेशान करना अच्छी बात नहीं है, और तुम तो मेरे समझदार बेटे हो। अपना और पापा का ध्यान रखना। साकिर, तुम्हारी दोस्ती पर मुझे हमेशा गर्व है। इससे बढ़िया क्या मिसाल होगी दोस्ती की, तुम्हें मेरी काबिलियत पे से भी ज्यादा भरोसा है। शाम को जल्दी आना, हम लोग साथ में खाना खाएंगे, थोड़ा इंतजार करेंगे। मैं इंतजार ना करना, मेरा भरोसा ही नहीं मैं कब तक। सूरज जी, मैं चाहती हूँ कि आज से आप रोजाना भी मांग भरे। ये खाली पीने क्यों? इनमें हमारे आने वाले यादगार पलों की तस्वीरें लगी, वो खास पल जो आपको जीने हुआ ही नहीं। सूरज जी,
आप जानती हैं कि हमारा साथ दिया और बाती की तरह है, एक दूसरे की तरह कोई मतलब ही नहीं। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, अब हम एक दूसरे के साथ रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हारे को वचन दे भी नहीं कि तू पुलिस अफसर नहीं सिर्फ दुनिया के लिए होगी, हमारे घर के प्रति जिम्मेदारियां ने कदे ही न डालेगी, थारा सरकारी फर्ज हमारी बड़ी बहनी के कदे आड़े ना आवेगा। आपको वचन दे दी। संध्या, सजा दे रही हो सा उस बहू को जिसने आज इस सारे फर्ज अधूरे छोड़ दिए, जिसने आज अपने परिवार को एक ऐसा झूठ दिया है जिससे उनके मन पर एक बहुत गहरी चोट लग गई है। उस पत्नी को सजा दे रही हो जिसने सात फेरों के सातों वचन नहीं दिए, उस माँ को सजा दे रही हो जिसने अपने 6 साल के मासूम बच्चे को अपने जीते जी हाथ कर दिया। क्या कसूरी होगी सब पर जब आज मेरी लाश मेरे घर पहुंची होगी? क्या हाल हुआ होगा बाबू बाबा सा का, सूरज जी का, मिश्री परी गोलू, मेरी मीनाक्षी, सब का क्या हाल हो रहा होगा? सब लोग मुझे कितना प्यार करते हैं और उस प्यार के बदले मैंने क्या दिया? झूठ? आज शर्म आ रही है मुझे अपने आप पर, घृणा हो रही है मुझे खुद से, क्यों किया मैंने ये सब? बस करो संध्या, संभालो अपने आप। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे तुम्हें खुद से घृणा हो रही है। इनफैक्ट तुम्हें तो अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। यू शुड बी प्राउड ऑफ यू। एक पत्नी, एक माँ, एक बहू होने के नाते हो सकता है तुमने कुछ गलत किया, मे बी, लेकिन एक सिपाही ने, एक सच्चे सिपाही ने अपने फर्ज को पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी के साथ निभाया, एंड दैट यू शुड बी प्राउड ऑफ। संभालू कैसे सर, क्या संभालू? आपके देश के सच्चे सिपाही ने अपनों का दिल तोड़ दिया है, मेरी अंतरात्मा मुझे कचोट रही है। कैसे कर गई मैं अपने परिवार के साथ जिसने मुझे माँ बाप दिए, औलाद देकर अपूर्ण नारित दिया मुझे, कैसे कर गई मैं? आज सिपाही के नाते पहले ही संध्या रानी थी, लेकिन आज एक पत्नी की, एक बहू, एक माँ की सबसे बड़ी हार हुई है। हार गई, अपने सारे रिश्ते हार गई मैं, कुछ नहीं बचा मैं। संध्या, तुम्हारा परिवार इन 5 लोगों तक सीमित नहीं है जिनके आंसुओं से तुम इतना विचलित हो रही हो। ये वर्दी पहनने के बाद सारा देश हमारा परिवार बन जाता है और उनकी हिफाजत हमारा कर्तव्य। अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, मिशन महाबली का आगाज अब हुआ है। अपने आंसुओं को अपनी ताकत बना, महाबली बनो, गर्जना संगठन का विनाश कर दो। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।